हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। संडे संडे नहीं, मंडे है आज। अभी क्या है, संडे मंडे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि संडे है या मंडे है। रोज संडे के जैसा ही लग रहा है। आप लोग को भी लग रहा होगा ना, कुछ ना सोने की जल्दी ना उठने की जल्दी, लग रहा है रोज संडे ही है। अभी सब लोग घर में हैं तो, और बाल में मैंने ना रात में ऑयल लगाया था, आज भी वॉश करना है। अभी जाऊंगी धोने नहाने सॉरी तो हेयर वॉश करना है मुझे, और नाश्ता भी नहीं बनाई हूँ। क्या बनाना है? हाँ, हो रहा है कि ओट्स बनाना है अभी, तो नाश्ते में ओट्स बनेंगे। अभी बनाई नहीं हूँ, नहा के पूजा वगैरह करने के बाद ही वो करना है। अभी ना ये सत्तू बना रहे हैं, बोले सत्तू पी लो, तो लेकिन मैं बोली नहीं, मैं नहा के आऊंगी फिर तभी पीऊंगी। और ना आप लोग को दिखाना था, ये चादर है ना, ये देखिए, ये चादर दिखा रही थी मैं आप लोग को। इसमें जितने भी काम है ना सब मैंने किया था। ये जो लाइनिंग है, ये छोटी छोटी बुट्टियां हैं, ये सब मैंने ही बनाया था। दुसूती कपड़ा बोलते हैं इसको, मार्केट में इजीली मिल जाता है, तो इसको लिया था। प्लेन मिलता है तो लिया था, उसमें पूरा वर्क किया था मैंने। वैसे बहुत साल हो गए बनाए हुए, टाइम भी बहुत लग गया था बनाने में, लेकिन जब बन के पूरा हुआ तो देखकर बहुत खुशी हुई। अभी भी खुशी होती है जब भी इसको बेड पे डालती हूँ, देखकर बहुत अच्छा लगता है। आप लोग को कैसा लगा बताइएगा, बहुत खुशी होती है देखकर। वो होते हैं ना अपना कुछ, जब खुद कुछ बनाए हुए हो, खुद का किया हुआ कुछ काम, तो उसको देखकर अच्छा फील होता है। ये देखिए ऐसा पिंक है, ये दूर से कलर चेंज हो जा रहा है, नजदीक से देखिए एकदम पिंक है। पिलो कवर भी है साथ में इसके, सेम ऐसे ही बनाई उसमें भी, तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लुक दिखता है। ये देखिए कैसा लग रहा है आप लोग को, कमेंट करके जरूर बताइएगा। गुल्लू पुल्लू, तो चलिए किचन दिखाती हूँ। किचन भी मैंने तब एकदम क्लीन कर दिया है। और आपने नहीं लिया? नहीं। क्यों? आपके साथ लाऊंगा। अरे ले लीजिए ना, मुझे टाइम लगेगा, अभी मैं नहा के आऊंगी फिर तभी लूंगी। तो यहाँ पर देखिए ये सभी क्लीन कर, किचन एकदम क्लीन है। और इन्होंने ना ये देखो सत्तू बना के रखा है। मैंने बोली अभी मैं नहीं पीऊंगी, नहा लेती हूँ तभी। और यहाँ चना स्प्राउट्स ये खाते हैं सुबह, चना गुड़ लेके ये खाते हैं। ये भी हो गया है, अभी नहा के आऊंगी फिर इसको लेंगे, पीना है। और किचन भी क्लीन है पूरा, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है। अब बस नहाना है, नहा के पूजा करना है, उसके बाद नाश्ता करना है। तो चलिए मिलते हैं। अभी ना बहुत देर बाद आप लोगों से बातें कर रही हूँ, अभी ना 1:30 बज रहे हैं और 9:30 में आप लोग से मिली थी मैं। लाइट आ रहा है ना इधर से, तो उसके बाद फिर नहा के नाश्ता पानी सब हुआ, काम तो सब करी हो ही चुका था सुबह। फिर नाश्ता वगैरह बनाए नहीं थे पहले, सब नाश्ता वास्ता बनाकर सब लोगों को नाश्ता कराया, मैं भी करी। उसके बाद बैठ के टीवी में जो अभी चल रहे हैं ना, महाभारत रामायण ये सब देखने को होता है, बच्चों को भी दिखाती हूँ कि देखो तो खाने की भी कुछ हड़बड़ी नहीं थी, लेकिन अभी बनाना है जाना है,
वैसे कुछ खास नहीं, बस जीरा राइस और आलू मटर टमाटर की सब्जी बनानी है क्योंकि घर में सब्जियां खत्म हो चुकी हैं। कितने दिन पहले, 3-4 दिन पहले ये सब्जी लेकर आए थे, तो ये बोले कि मैं जाकर ले आता हूँ नीचे। बस मेरे घर के नीचे ही में सब कुछ की दुकान है, आप कोई ऐसे दिक्कत नहीं है, आप नीचे हो बस उतरो, आपको ग्रोसरी की दुकान, दूध की डेयरी, फल वाले, सब्जी वाले सब, मैंने बस आपको नीचे जाने की जरूरत है, गेट से निकलो, सब कुछ की दुकानें हैं। लेकिन मैं फिर भी बोली कि भी ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि हरी सब्जियां खानी ही है, जो है घर में वो भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है कि मतलब सब्जी चाहिए ही, टमाटर है, मटर है, बहुत सारी चीजें होती है घर में, वो सब भी बना के आदमी खाएगा, राजमा है, छोले हैं, तो मैं मना की कि मत जाइए, आज मैं वही बना रही, तो आलू मटर की सब्जी बनाती हूँ और जीरा राइस हो जाएगा। ध्रुव को देखना होगा राइस खाते हैं कि रोटी खाते हैं, वैसे आटा भी बना के रखी हूँ, गूंद के रखी हूँ आटा भी, तो देखते हैं क्या उनके लिए क्या बनाते हैं। तो यही है, तो चलिए अभी पहले खाना बना लेती हूँ फटाफट, क्योंकि 1:30 बज चुके हैं, खाना बना लूंगी तो मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगी, फिर जिसको जैसे खाना होगा जब खाना होगा खाएगा लोग। 2:30 बजे के पहले तो कोई खाने वाला नहीं है, वो मुझे पता है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक तरफ सब्जी चढ़ाऊंगी, एक तरफ चावल, फटाफट हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से। अभी देखो सब गड़बड़ हो गया, मैं क्या बनाने वाली थी, आलू मटर की सब्जी और फ्राइड राइस मतलब जीरा राइस, और मैं चिंकी को बोल के रखी थी कि तुम आलू को कट करके रख दो, आलू को छील दो और उसको सब्जी जैसा कट कर दो, उसने ठीक से सुना नहीं और ये पतले पतले वाले आलू काट दिए। अब मैं इसकी सब्जी कैसे बनाती बताओ कैसे बनाती, देखो ऐसे उसने सब्जी कट करके रख दिए। फिर मैं बोली अब तो इसके नहीं बन सकते हैं सब्जी, चलो मैं इसको भुंजिया बोलते हैं हम लोग, या फ्राई कर देती हूँ ऐसे ही। थोड़े से मटर भी डाल दिया मैंने इसमें, और इधर दाल चढ़ाया और इधर राइस भी बन गया है, तो हम लोग खाएंगे राइस, दाल और ये आलू की, आलू फ्राई बोल सकते हैं इसको, फ्राई भी नहीं है, थोड़ा सा ऑयल डाल के बनाया है। तो यही है हम लोग आज का लंच, अब देखती हूँ शायद थोड़ा सा दही होगा तो बूंदी बनाऊंगी, ये पता नहीं। धूप देखो तो फ्रिज में दही है क्या, कितना है निकालो जरा, देखो जरा, हो गए 2-3 दिन, नहीं इतना में तो नहीं होगा, तो बहुत थोड़े हैं, नहीं नहीं हो पाएगा, रहने दो, रख दो फ्रिज में। तो चलिए ये बना लेते हैं। तो ये है हम लोग का आज का खाना, दाल, चावल, भुंजिया और ये आम का अचार जो मैं कल बनाई थी रेत करके आम को। तो यही है हमारा आज का लंच, वैसे ये ध्रुव के लिए निकाली हूँ, ये वैसे ही लेते हैं, दाल चावल के ऊपर दाल भुंजिया ऐसे करके वो लेते हैं, अलग से दाल नहीं लेते, तो ये उनका खाना है तो उनको दे देती हूँ। तो ये है हम लोग का आज का सिंपल सा टेस्टी लंच, हम लोग भी खा लेते हैं। तो खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम किए, उसके बाद मैं लग गई थी, ये जो हॉल में टीवी के नीचे हमारा जो शोकेस है ना, तो छोटा सा उसमें शोकेस बना हुआ है, उसमें कुछ कुछ ध्रुव के खिलौने वगैरह और भी कुछ कुछ शोपीस टाइप के हैं, तो कुछ दिनों से उसकी क्लीनिंग नहीं हुई थी, डस्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर सोचे कि चलो आज सफाई करते हैं इसकी, इसको आज क्लीन करते हैं सब अच्छे से। तो वही क्लीन करने में लग गई मैं, और इधर ध्रुव भी बैठे हुए हैं, वो भी मेरे से बात कर रहे हैं, अपने खिलौने देख रहे हैं, सब बहुत सारे हैं छोटे छोटे, वो एनिमल सब जो भी होते हैं ना, ये देखो उसकी गाड़ियाँ, कार और सब भी खिलौने उसके सब, ये जो कार सब है ना, मेरा भाई का लड़का आता है, छोटा है अभी वो 4 साल का, वो इससे खेलता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए ये जो मग है, ये ध्रुव का पिक्चर है इसमें, और इधर चिंकी और ध्रुव दोनों हैं, ये ना अभी दिसंबर में ध्रुव का बर्थडे था ना,
तो चिंकी ने ये गिफ्ट किया था ध्रुव को, बहुत पसंद आया था सबको, ध्रुव को तो बहुत अच्छा लगा था। और एक और मग है ये बच्चों ने मदर्स डे पर लास्ट ईयर मुझे गिफ्ट किया था, बहुत प्यारा है ये, बहुत सुंदर। तो इन सबको भी मैं यहीं रखती हूँ सो पीस के जैसा, अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा। दोनों मग को मैं इसी में अच्छे से सजा के रखती हूँ। और एक और ये मैं बनाई हूँ, दिखा रही हूँ अभी आप लोगों को, ये पेन पेंसिल होल्डर है। तो ये मैंने बनाया था अपने बैंगल्स से जो पुराने हो गए थे, थोड़े ख़राब हो गए थे, तो उनसे ये बनाया था मैंने, बहुत अच्छा। अब तो मतलब एक दो साल हो गए इसको, लेकिन अभी भी अच्छा लगता है। तो आप भी ऐसे बना सकते हैं, अपनी तरह तरह की जो भी बैंगल्स हैं उसको लगा के ऐसा बना सकते हैं। और एक ये गणपति है, ये भी बच्चों ने डैडी को गिफ्ट किया था गाड़ी में रखने के लिए, कि डैडी इसको कार में रखिएगा, लेकिन फिर मैं बोली कि नहीं ये अच्छा लग रहा है यहीं रहने दो इसको, इनको गणपति बप्पा हैं तो अच्छा लग रहा है यहीं पर रखने रखा। और फिर अभी देखिए सभी क्लीन करके अच्छे से लगा के सबको रख दी हूँ। बहुत डस्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी इन सब में, लेकिन डेली क्लीन नहीं कर पाती हूँ मैं, कुछ कुछ दिनों पर क्लीन करते रहती हूँ, लेकिन हाँ डेली तो नहीं होता है। और ये देखिए जब सब साफ़ हो जाते हैं तो कितने अच्छे दिखते हैं। तो ऐसे मैंने सजा के रख दिया, अब इसको बंद करके रख देते हैं। फिर अब देखते हैं कितने दिनों के बाद इनकी फिर क्लीनिंग होती है। अब आ गई हूँ मैं किचन में रात का खाना बनाने, 8 बज रहे होंगे, हाँ 8 ही बज रहा है। तो यहाँ मैं सिंपल बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल गरम किया, तेल गरम होने के बाद इसमें मैं हींग डाल दी। हींग डालने के बाद 5 फ़ोरन डालूंगी, जो 5 चीज़ से मिलाकर बनते हैं ना, जीरा राई मेथी अजवाइन सौंफ, तो उसको 5 फ़ोरन बोलते हैं, वो डाल दिया। ये जब चटकने लगेगा तो मैं इसमें अदरक डाल दी, अदरक को थोड़ी देर भूनूंगी तेल में। इन सबको तेल में अच्छे से भुनने के बाद इसमें सूखे मसाले सारे ऐड कर दूंगी, जो बेसिक मसाले होते हैं वो इसमें ऐड कर दूंगी। अभी सूखे मसाले में मैंने वही हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और इसके बाद मैंने धनिया पाउडर डाला, बस इसमें यही मसाले जाएंगे। और ज़्यादा कुछ भी इसमें लहसुन प्याज मैं नहीं डाली हूँ, ये बस ऐसे ही नमक डाल दिया, अदरक डाली हूँ सिर्फ, और ये सारे मसाले सूखे मसाले ये थोड़े से भून के हो जाएंगे तो मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। टमाटर को मैंने बस ऐसे चॉपर में उसको थोड़ा बारीक कर लिया था, तो थोड़े से मसाले ये भून के हो जाएंगे तो मैं इसमें टमाटर मिला दूँगी। ये देखिए एकदम बारीक नहीं हुआ है, बस ऐसे चॉपर में इसको कर लिया था। तो टमाटर डाल के इसको कुछ देर भूनूंगी, जब तक कि मसाले अच्छे से ना भून के हो जाए, तेल ऊपर आने लगेगा। तो सबको अच्छे से भूनने के बाद देखिए सब अच्छे से भून के हो रहा है। टमाटर कच्चा है तो उसको अच्छे से पकाना होगा टमाटर को, और मेन इसमें टमाटर की ही ग्रेवी आती है, टमाटर थोड़े ज़्यादा पड़ते हैं इसमें। मैंने 2 बड़े बड़े एक छोटे टमाटर लिया था, और बहुत अच्छी खुशबू आती है, 5 फ़ोरन डालोगे ना सब्जी में हींग और 5 फ़ोरन, तो सब्जी की खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो अभी सारे मसाले भुन के हो गए हैं तो मैं इसमें थोड़े से कसूरी मेथी डाल दी, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है सब्जी का। उसको भी थोड़ी देर साथ में मसालों के साथ उसको भी भून लेंगे। ये देखिए मसाले अब अच्छे से भून के हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें ये आलू डाल दूंगी। आलू को मैंने कट नहीं करा है, बस इसको बॉयल आलू है, बस इसको हाथ से तोड़ लिया है, तो कोई ऐसे मैंने एक शेप में पीस नहीं रहेंगे, मोटे पतले सभी पीस रहेंगे इसमें। तो इसको थोड़े थोड़े अपने ये पलटे से इसको
तोड़ भी सकते हैं। तो इसमें ऐसा कोई शेप का नहीं था, चाकू से नहीं काटा, बस आलू को छीलकर इसको तोड़ लिया था। तब आलू भी इसमें भुन के हो गए, तो अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। पानी थोड़ा इसमें ज़्यादा पड़ते हैं क्योंकि ये थोड़ी ग्रेवी वाली सब्जी होती है, चपाती के साथ खाना है, रोटी रोटी पराठे पूड़ी ये ऐसे पूड़ी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है ये सब्जी। तो मैं तो रोटी ही बनाने वाली थी, लेकिन ध्रुव ने बोला कि नहीं मम्मी पराठा बना दीजिए, पराठा बना दीजिए। फिर मैं बोली चलो कभी कभी बच्चों के मन का भी करना चाहिए, तो फिर मैंने सभी के लिए पराठे ही बना दिए। तो ये देखिए अभी पानी थोड़ा और डालूंगी इसमें, तो ये देखिए पानी और डाला मैंने, लेकिन अभी ये थोड़ा पकेगा, थोड़ी देर इसको पकाऊंगी ये अच्छे से। अभी तो मैं इसको ढक के छोड़ दूंगी कुछ देर, थोड़ा बॉयल आने के बाद आँच को मीडियम कर देंगे। इधर मैंने आटा भी गूंद के रख लिया है इसमें, अब ये सब्जी हो जाएगा तो फटाफट इधर मैं रोटियाँ सेकते जाऊँगी और सबको देते जाऊँगी। तो अब ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है सब्जी, कितना पानी डाला था मैंने, अभी देखिए इसकी ग्रेवी ऐसी होती है और बहुत अच्छी। व्रत में भी इसको खा सकते हैं आप, लहसुन बिना लहसुन प्याज का ये बनता है, अदरक ज़रूर पड़ता है। तो ये देखिए सब्जी बनके तैयार हो गई, अब मैं फटाफट इधर पराठे बना ले रही। देखिए पराठे मैंने बना लिए, ये देखिए ये है हम लोग का आज का डिनर, आलू टमाटर की सब्जी, पराठे और बस वही आम का जो कूचा बनाई हूँ ना, वो कूचा बोलते हैं हम लोग या अचार बोलो जो बोलना है। तो ये है हम लोग का आज का डिनर, कैसा लगा आप लोग को, तो कैसा आप लगा आप लोग को मेरा आज का ये वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक गुड नाइट, बाय बाय।